भारत विकास परिषद संस्कार द्वारा गांव ढोलपुरा में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 350 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। भारत विकास परिषद संस्कार द्वारा गांव ढोलपुरा के प्राथमिक विद्यालय में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें विभिन्न बीमारियों के 350 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार की मरीजों की जांचें भी कराई गईं। शिविर के प्रति ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दिया। ढोलपुरा पूर्व प्रधान गणेश यादव जी के सम्मान में जो एक कैंप लगाया गया है, इसमें हम ढोलपुरा वासियों से एक निवेदन कर रहे हैं कि सभी आके बहुत अपना इलाज कराएं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा। यहाँ पे हमारे पास करीब करीब सभी स्पेशलिटी के चिकित्सक हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस कैंप की यह है, लोगों को लाभ मिल रहा है मुफ्त दवाओं का। इस कैंप में सभी तरह की दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं, निशुल्क पैथोलॉजी लगाई गई है, जिसमें कुछ चीज़ों का डिस्काउंट भी दिया गया, लेकिन ज़्यादातर जांचें हम निशुल्क ही कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सरे की सुविधा, उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया गया है। और हम आशा करते हैं यहाँ के सभी ग्राम के निवासी बहुत फायदा लेंगे इस कैंप द्वारा। एक ग्राम ढोलपुरा प्राथमिक विद्यालय में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं निःशुल्क दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम यहाँ के ग्राम निवासियों को अपनी ग्राम बस्ती विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और ग्रामवासियों का, और यहाँ पर उनके जो परामर्श चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जा रही हैं वो भी निःशुल्क ही यहाँ पर वितरित की जा रही हैं। यहाँ पर दंत रोग विशेषज्ञ, होम्योपैथिक विशेषज्ञ और अपने जनरल फिजिशियन, अपने पैथोलॉजी की व्यवस्था भी है, जो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर अपना सुविधाएं दे रहे हैं। आज इस बात का विशेष उल्लेख करूँगा कि जब से डॉक्टर आयुष गुप्ता जी हमारी शाखा के सदस्य बने, हमारे परिवार से जुड़े और अब ये सह सचिव का कार्यभार भी देख रहे हैं, जब से ये जुड़े हैं हमारी जो शाखा की ऐसी जन सेवा की और मानव सेवा की एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज के इस कैंप का सारा श्रेय डॉक्टर आयुष गुप्ता जी को मैं देना चाहता हूँ और मैं ये कामना करता हूँ कि आगे भी हमारी शाखा और हमारा परिवार ऐसे ही जन कल्याण के कामों में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता रहेगा और जनता को हम इस तरह से ही लाभ पहुँचाने का सौभाग्य प्राप्त करते रहे।